किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं लोगों की? और हर तरह की आती हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मैं ईमानदारी से कहूं, करनाल के जितने भी हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, करनाल जिले के संगठन के, हमारे विचार परिवार के, जैसे अभी ऋषिपाल शास्त्री जी यहाँ खड़े हैं, आमतौर पे ये राजनीतिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में नहीं जाते, फिर भी क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मामला है और ये स्थान भी इतना पवित्र स्थान है, अशोक सुखीजा जी हों, जगमोहन आनंद जी हों, संजय बठला जी हों, सब लोग, मतलब मैं जिस दिन से करनाल में बैठना शुरू किया, और मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तय हुआ था, आप सबका भी निरंतर सहयोग मिलता है और सब लोगों का इतना विश्वास बन रहा है और सब लोग आते हैं, और मैं समझता हूँ अधिकतर की समस्या का हल उसकी समस्या में ही होता है, लेकिन उस नज़रिए को देखने का होता है भी समस्या का हल कैसे किया जाए, और कुछ एक हैं समस्याएं जिनको परस्यू करने से सोल्यूशन किया जाता है, कुछ एक मामले ऐसे हैं जो पंचायती तरीके से सॉल्व होने हैं, हम उसको पंचायती रूप में लेके जाते हैं, गांव में सौहार्द बने, आपस में झगड़ा ना बने, इस तरह के मामलों को हम किसी न किसी कार्यकर्ता की, कई बार जोगेंद्र राणा जी के जिम्मे, कई बार कविंदर राणा जी के जिम्मे, कई बार सतीश जी के जिम्मे, ऐसे हम जो कार्यकर्ता वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं उनके जिम्मे लगाते हैं, और वो जाकर सोल्यूशन कराकर जब वापस आते हैं तो मन को सुकून होता है कि समाज के हमने एक झगड़े को और कम करने का प्रयास किया। सर, पिछले दिनों अभय चौटाला और अशोक तंवर की मुलाकात हुई थी, किस तरीके से देखते हैं इस मुलाकात को? करने दे थोड़ा फुर्सत में, अब बैठने तो दें उनको, काम कुम तो लंबा चौड़ा है नहीं, बेरोजगारी चल रही है, तो ये बैठ के मीटिंगें करके कोई ना कोई तो सोचेंगे, अच्छा वो भी करनी चाहिए मीटिंगें उनको। पीटीआई टीचर्स जो हैं, जब उनकी भर्ती हुई थी तो जो पूर्व चेयरमैन वगैरह हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज होने शुरू हो गए हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि ये बदले की राजनीति है, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, ऐसा है, कोई इसमें क्या बदला होना, और वो पूर्व चेयरमैन मुझे तो पता भी नहीं है कौन पूर्व चेयरमैन जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और उनका करके भी क्या मेरे कहने का मतलब, लेकिन एक जो इरेगुलरिटी हुई है इसमें मेरा मानना है, मैंने जजमेंट पढ़ी है, कहीं भी मुझे पीटीआई टीचर्स की कमी नहीं दिखती, उनको तो जो एडवर्टीजमेंट किया गया या उनको सामने जो भी रखा गया, टेस्ट के जो नंबर रखे गए, इंटरव्यू के जो नंबर रखे गए, उन्होंने उसी के आधार पर पीटीआई टीचर्स ने दिया, लेकिन उसके अंदर अपने पराये का भेद करने के लिए, किसी को फेवर देने के लिए उन्होंने जो कानून से हटकर जो फेरबदल किया उसमें उन पीटीआई टीचर्स का तो कोई कसूर नहीं था, वो करने वालों का था जिन्होंने फेर बदल किया, तो मैं समझता इसी कारण से उनको नामित किया गया होगा, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, आप बता रहे हैं तो जरूर हुआ होगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या चिंतन, क्या प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जितना फीडबैक और जितना काम होना था, मैं समझता हूँ केंद्र का वो निर्णय रहता है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय, उन्होंने जो फीडबैक या जो चर्चा होती है वो सारी लगभग कंप्लीट है, हम उम्मीद करते हैं। आखिरी सवाल सर, बड़ौदा उपचुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या समझते हैं जेजेपी को टिकट मिलेगी या फिर भाजपा उस पर अपना चुनाव लड़ेगी? देखो, जेजेपी को टिकट मिलेगी, टिकट तो जेजेपी की टिकट तो जेजेपी नहीं देनी है, उसमें बीजेपी का तो कोई मेरे को लगता नहीं रोल नहीं है, आपका प्रश्न ये हो सकता है क्योंकि आप इकट्ठे सरकार चला रहे हैं तो जेजेपी चुनाव लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी, आपका प्रश्न ये होना चाहिए, खबरों के साथ जेजेपी फैसला करेगी, बीजेपी की टिकट तो बीजेपी, इकट्ठे मिलके लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे ये मैं समझता हूँ कि मेरे से ऊपर का मामला है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पार्टी के भी काफ़ी सीनियर वहाँ पर, उनके अध्यक्ष तो निशांत सिंह जी हैं, हमारे सुभाष बराला जी हैं, प्रदेश के पर ये लेवल है और उनकी केंद्रीय कोई भी टीम होगी, वो आपस में बैठ के तय करेंगे और हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो भी निर्णय होगा हम उसको फॉलो करने वाले हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही, फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।